हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। सांचौर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के कोलियों की गड्ढी गांव में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। घटना की जानकारी के बाद DYSP रूप सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और उसे सांचौर के राजकीय मोर्चिन में रवाना करने के बाद जाँच शुरू की गयी। इसी दौरान DYSP रूप सिंह ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि कोलियों की गड्ढी गांव में एक युवती हेमी देवी पत्नी दूधा राम कोहली का शव उसके घर में मिला है। सबसे पहले चितलवाना थानाधिकारी पदाराम मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे और जिसके बाद DYB मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस को मृतिका के पीआर पक्ष के लोगों ने दूधाराम के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक इस घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मृतिका के पुत्र वागाराम ने बताया कि पिता दूधाराम की पिछले 5 साल से दिमागी हालत खराब थी। गुजरात के मेहसाणा से उपचार करवाया जा रहा है। आज सवेरे ही दिमागी हालत खराब होने के चलते कुल्हाड़ी से ही इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया और जांच शुरू कर दी गई। सो दोस्तों, बड़ी खबर है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए अपनी राय जरूर दें।